সব এবার হাত উঠাকরে বলো বল হরে কৃষ্ণ হরি বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এবার হাত জোর সে হাত উঠাকরে বলো বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री माधव प्रिय प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग ने श्रवण किया है, हम लोग रोज रोज भजन गाते हैं ना, मंदिर जो परिक्रमा करते हैं, बोले जय राम घाट जय रोहिणी नंदा जय जय वृंदावन वासी जत जय। इसलिए रोज हम सवेरे ये राम घाट को हम याद करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ध्यान देकर सुनो, रूप गोस्वामी कहते भक्ति करना है ना, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईद उपदेश सारम। रूप गोस्वामी एक श्लोक में जितने सारे शास्त्र का सार बता दिया, बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले वृंदावन में रह करके, कहाँ रह करके, वृंदावन में, बोले अगर सबके सब वृंदावन में आ जाए। हमारे गोस्वामी कहते शरीर भले ही शरीर में कहीं भी रहो लेकिन मन के द्वारा वृंदावन में वास करो। इसलिए सवेरे जो कीर्तन जो गाते हैं ना, रोज इसको याद करनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे के कीर्तन उन्होंने लिखा है, जो एक कीर्तन को आप गाओ ना, पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा आपको हो जाए पूरा। इसलिए ये रोज कीर्तन करनी चाहिए। कौन सा कीर्तन, जय राधे जय कृष्ण जय ये भजन गाओगे पूरा राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन सब तीर्थ अपने आप स्मरण में आ जाएगा। और जिस जगह का स्मरण करते हैं ना, हम वहीं पर ही निवास करते हैं। रोज इस स्थान को हम सवेरे सवेरे याद करते हैं। अब लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, ये स्थान का नाम राम घाट एचा दाऊ जी, एचा दाऊ जी वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु, कुछ कुछ लोगों का मन में शंका है, सारा दुनिया जानते हैं रास कौन किया है, किसने किया है, केवल बांके बिहारी कृष्ण ही रास किया है। लेकिन बलदेव प्रभु भी रास किया, ये चीज को कुछ लोग वृंदावन दास ठाकुर कहते, ये चीज को कुछ लोग मानना नहीं चाहते, बोले भाई रास रचिया तो हमारी बात करनी आई है कि बांके बिहारी रास रचाने वाले, ये बलदेव प्रभु कहाँ रास किया, बोले नहीं। अब भागवत में पढ़ो, श्री बलदेव प्रभु रास किया है।